start. अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? जो आइडेंटिटी. ध्यान से ठीक है. आइडेंटिटी. ये अभी लास्ट वीक का क्लास होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म. ठीक है. आज दो चीज में बात करेगा, इंटरकनेक्टेडनेस. कनेक्शन का मतलब ज्वाइंट, ज्वाइंट जुड़ा हुआ. ठीक है. तो इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब इंटरनेट, बहुत सारा चीजें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. ठीक है. और दूसरा कॉज एंड इफेक्ट. इसका मतलब कॉज का मतलब कारण, इफेक्ट प्रभाव, उसका रिजल्ट है ना. ठीक है. तो आज इन दो चीज पे मेनली बात कर रहे हैं. तो बेसिकली इसका क्या मैं दिखाना चाहता हूँ इस क्लास में कि सब कुछ, राजू क्लास यहाँ हो रहा था, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट है. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल लेता है, टेबल, कोई भी टेबल या कुछ भी चीज. ये टेबल यहाँ पे कैसे आया, इसका टेबल के यहाँ होने का कारण क्या है, कहाँ से आया टेबल? पेड़ से आया. ठीक है. टेबल ये इफेक्ट है और कॉजेस हम देख रहे हैं. क्या पहला, क्या पेड़, ट्री, वुड. ठीक है. वुड या ट्री. और वुड तो वहां पे भी है, पेड़ है, अपने आप को नहीं बन रहा टेबल. कैसे बना टेबल? कारपेंटर या मैन. ठीक है. और वुड वहां है, मैं यहाँ पर हूँ, अपने आप बना लेगा क्या? हाथ से बना लेगा? नहीं, जो पुरानी टूल्स, हथियार जो वो टूल्स होता है ना, वो किस चीज का बना है? आयरन का. ठीक है. अब वुड ट्री का बात करते हैं. वुड ट्री अब यहाँ पे कॉज है, लेकिन अगर आप वुड ट्री को इफेक्ट देखेगा, कोई भी कारण प्रभाव भी हो सकता है ना. तो अब इसका वुड का कारण क्या है, कहाँ से आ रहा है वुड या ट्री, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? जमीन के ऊपर. अच्छा. ठीक है. ठीक है. सोइल, प्लांट. अब ये प्लांट कहाँ से है? कहाँ से? सीड से. ठीक है. और सीड कहाँ से है? फल से, फ्रूट से. ठीक है. फ्रूट कहाँ से है? ट्री. ठीक है. फ्लावर. अच्छा. फ्लावर कहाँ से है? ट्री से. अच्छा. ट्री वापस. ठीक है. चक्र हो गया. ठीक है. लेकिन ये पूरा चक्र अब कहाँ से आ रहा है? जो जमीन से. जमीन से, सॉइल से. ठीक है. और आगे सॉइल अब कहाँ से है? सॉइल जो पत्थर. पत्थर. ठीक है. पत्थर कहाँ से है? बिग बैंग से. बिग बैंग से. लावा. लावा. ठीक है. वो कहाँ से है, उसका कारण? लावा, वो मैग्मा. मैग्मा, लावा. ठीक है. फिर कहाँ से आया? सब कुछ बिग बैंग से. बिग बैंग. अच्छा. ठीक है. बिग बैंग बोल रहा है यहाँ पे. क्या यहाँ पे क्या था? एनर्जी. ठीक है. तो एनर्जी और लावा के बीच में क्या है, या ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, और क्या है बीच में, क्या आएगा चीजें? मैग्मा. क्या क्या? ग्रेविटेशन. लावा. ठीक है. अर्थ, सॉइल. अर्थ कहां से है? बिग बैंग. कैसे? बिग बैंग से तो आया. ठीक है. एकदम. कैसे आया? मिल्की वे से. मिल्की वे जो हाइड्रोजन प्रोटीन है वो. ठीक है. 4.5 बिलियन साल पहले, 13 बिलियन साल पहले क्या हुआ ये अर्थ कैसे बना था? अर्थ कैसे बना था? आप तो वीडियो भी देखिए. आप ज्वालामुखी से. ज्वालामुखी से धरती बना. ठीक है. हाँ, एटम से बना अर्थ. सब कुछ एटम से बना है. तो एटम से ही क्या बना था? स्टार्स बना था. अर्थ किसके? सन के ग्रेविटी से बना था ना. धीरे धीरे एटम जुड़ने लग गया. ठीक है. स्टार्स. और स्टार्स में क्या बना था? एलिमेंट्स. जितना भी मूलिका है, एलिमेंट्स या एटम्स. और एलिमेंट्स एटम्स कहां से बना था? कहाँ से आया था? एनर्जी से. एनर्जी से. हाँ. क्वार्क, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन करके एटम.
तो ये पूरा एक बन गया ना चक्र, ये क्या है टेबल, इसके इफेक्ट है अगर तो इसका कारण क्या है वुड, इसका कारण ये सब, इसका कारण सॉइल अर्थ एलिमेंट एटम करते करते एनर्जी, यही एनर्जी है जो पहला क्या हमने क्या बोला ना एनर्जी क्या नहीं होता है खत्म नहीं होता है कि सृष्टि नहीं करता है। हाँ तो यही एनर्जी लेकर इतना कुछ बना है ना, इतना 13 बिलियन साल लेके इतना कुछ बनाया है ना, मैन भी बना दिया है यहाँ 13 बिलियन साल में, मैन का भी वैसे यहाँ, मैन का भी आप देखो मैन कहाँ से आया, उसका कारण क्या है मैन का, मैन कहाँ से आया, नहीं नहीं जो मंकी, ठीक है पहले तो ये वाला मैन जैसे मैं मेरा बात कर रहा है तो कहाँ से है मदर फादर से, उसका मदर फादर कहाँ से है हमारा ग्रैंड फादर करते करते, ठीक है धीरे धीरे करते करते कहाँ पहुंच जाएगा हम, जैसे बात किया था अफ्रीका, उधर मंकी 2 लाख साल पहले अफ्रीका में पहला इंसान, उसके बाद वो कहाँ से आया था एशिया से, नहीं अफ्रीका से आया, क्या अभी बोला तुम लोग कहाँ से आया मंकी, मंकी से, मंकी कहाँ से आया था, ठीक है तो मैमल से आया था ना, मैमलिया से पहले क्या था बहुत कुछ था, डायनासोर था, फिश था, पेड़ पौधा था, धीरे धीरे स्पाइडर इंसेक्ट्स मछली करते करते कहाँ पहुंच गया मंकी तो हो गया मैन, अरे मनुष्य तो बन गया ना वापिस जा रहा है, मैमल से पहले क्या आया मछली से पहले क्या आया जीवन का शुरुआत बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ठीक है, और बैक्टीरिया कहाँ से आया था जो डीएनए अलग अलग एटम जुड़ा हाँ डीएनए है ना वाटर में, हाँ वाटर डीएनए ऑक्सीजन ये सब मिलके, ठीक है तो फाइनली वापस क्या है ये सब क्या है ऑक्सीजन डीएनए ये सब किस चीज से बना हुआ है रुक के जो ट्री है किस चीज से बना है ये सब कोई भी चीज किस चीज से बना है न्यूक्लियस, हाँ क्या कोई भी चीज किस चीज से बना हुआ है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है क्या कोई भी चीज किस चीज से एटम से एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स है ना, तो वापस डीएनए भी वाटर डीएनए पानी ऑक्सीजन सब एटम, तो वापस यहाँ पहुंच गए और फिर वापस करते करते एनर्जी, वैसे आयरन का बात करता है आयरन कहाँ से है आयरन क्या है वो भी एलिमेंट है ना एटम है तो वो भी यहाँ से आया और ये भी धीरे धीरे एनर्जी, तो कोई भी चीज आप उठाएगा दुनिया में कोई भी चीज अगर आप सोचेगा उसके बारे में सोचते रहेगा ये कहाँ से है ये कहाँ से है ये कहाँ से है तो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा वापस एनर्जी पे है ना, ठीक है तो इसी का मतलब इंटरकनेक्टेडनेस है यानी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसमें से अगर एक भी चीज नहीं होता तो शायद ये नहीं बनता ना टेबल नहीं हो पाता, जैसे कुछ भी आप उठा लो अर्थ में अगर लावा नहीं स्टोन नहीं बना होता पत्थर नहीं बना होता तो शायद मिट्टी नहीं बनता, मिट्टी नहीं बनता तो ट्री नहीं बनता, पेड़ नहीं बनता तो टेबल नहीं बनता, वैसे इंसान नहीं होता तो टेबल कभी नहीं बनता, आयरन नहीं होता तो तब भी शायद नहीं बनता, अलग अलग चीज है ठीक है, तो इंटरकनेक्टेडनेस ठीक है। वैसे एक और जो इंटरकनेक्टेडनेस का एग्जाम्पल है जो ये भी बात किया आप लोग इसमें भी सब जुड़ा हुआ है ना साइकिल, 4.5 बिलियन साल पहले सन बन गया वहां से अर्थ बना, अर्थ से क्या बना फिर से अब जीवन कैसे शुरू हुआ था डीएनए बैक्टीरिया फिर क्या धीरे धीरे प्लांट्स एनिमल्स मैमलिया समुद्र में उसके बाद क्या बना मैमलिया फिश बन गया फिर क्या बना फ्रॉग जैसा चीजें बना एम्फीबियन जो समुद्र में भी पानी में भी जी सकता है धरती पे भी जी सकता है फिर धीरे धीरे छिपकली जैसा चीजें बना जो कि बस धरती पे रहेगा उसके बाद वहां से धीरे धीरे डायनासोर बन गया फिर साथ में छोटा छोटा मैमल चूहा टाइप का मैमल मंकी बन गया मंकी बन के क्या फाइनली मनुष्य अफ्रीका में 2 लाख साल पहले ठीक है। अब आगे क्या होगा अभी नहीं पता रोबोट हो सकता है शायद धीरे धीरे मैंने आपको बताया था ना इंसान अपने अंदर चिप्स डाल रहा है अपने अंदर ही कंप्यूटर बना रहा है तो धीरे धीरे हो सकता है हमारा इस हाथ की जगह एक मशीन लगा होगा कुछ भी हो सकता है ठीक है ये सब तो अभी नहीं पता आगे क्या होगा लेकिन एनर्जी से ये सब किया है और ये भी क्या इंटरकनेक्टेडनेस है ना और क्या है कॉज एंड इफेक्ट इसका कारण क्या है एक इसका कारण क्या है ये इसका कारण क्या है प्रॉब इसका कारण क्या है ये
इसमें से कुछ भी हटा दो तो शायद मैन नहीं बनेगा ना। अगर डीएनए नहीं होता तो कुछ भी नहीं बनता, बैक्टीरिया नहीं होता तो आगे का नहीं बनता, फूल ये सब नहीं होता, फिश नहीं होता। जैसे वो वीडियो देखा था, पहला एक मछली था जिसने क्या मेरुदंड उगाया था ना, तो इसने स्पाइन उगाया और क्या आंख उगने लग गया, मुंह उगने लग गया। अगर ये सब चीजें नहीं होता तो बाकी का जानवर शायद नहीं बनता, तो इवेंचुअली शायद इंसान नहीं बनता। तो वही बात आ गया फिर से, सब कुछ क्या है, क्या है सब कुछ, एक दूसरे से हाँ इफेक्ट करता है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ये तो सिंपल बात। वैसे ही अब इंटरकनेक्टेडनेस का एक और एक थ्योरी है, क्या है कि बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई क्या बोलता है, प्रजापति, बटरफ्लाई इफेक्ट। ये भी यही दिखाता है कि सब कुछ शायद जुड़ा हुआ है। जैसे कि क्या साउथ अमेरिका, ब्राजील देश कहां पर है, राजस्थान, नो ब्राजील का, यूरोप में नहीं, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, पक्का साउथ अफ्रीका में कि साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, हाँ साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका ऐसा है अगर, तो यहाँ पे ब्राजील है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ मेक्सिको, ये क्या है, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, हाँ ठीक है, और ये ब्राजील। तो इस थ्योरी के मुताबिक साइंटिस्ट बोल रहा है कि एक प्रजापति, छोटा सा प्रजापति ब्राजील में यहाँ पे ऐसे, अगर वो अपना प्रजापति उड़ता है, कैसे उड़ता है, पंख करके ना, और जब भी किसी चीज को ऐसा करता है तो क्या होता है, हवा निकलता है ना। जैसे अभी अगर आप लोगों को गर्मी लग रहा है ऐसे करेगा तो क्या है, हवा निकल रहा है ना। तो जब ये प्रजापति अपना पंख मारता है तो हवा निकलता है, ठीक है। तो उस साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो हवा यहाँ से निकल रहा है, छोटा सा इतना सा हवा है ना, बहुत कम हवा है, कुछ समझ गया ना, बहुत कम हवा निकाल रहा है प्रजापति पंख मारने से, इतना सा होता है। तो वो हवा क्या, यहाँ पे धीरे धीरे जो बाकी बड़ा हवा चल रहा है इधर उधर, पता है ना धरती में हवा चलते रहते है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पानी अगर इस जगह पर है और एक पाइप से यहाँ पे लगा देगा तो क्या होगा, ये खाली है यहाँ पानी है तो क्या होगा, पानी इस जगह पे आ जाएगा ना। वैसे ही अगर यहाँ पे बहुत सारा हवा है और यहाँ पे हवा खाली है एकदम वैक्यूम है तो क्या होगा, पाइप लगाए तो क्या होगा, हवा यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही धरती में भी यही होता है ना, अगर इस जगह पे जैसे उड़ीसा में बहुत सारा हवा है और साइड में कौन सा जगह, झारखंड मान लो, झारखंड पास में है ना, नेक्स्ट स्टेट है राज्य, तो अगर झारखंड में हवा नहीं है तो उड़ीसा से हवा चलते हुए झारखंड में जाएगा ना, समझ है ना, ये जहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर, जहाँ पे हवा नहीं होगा उस, जहाँ पे हवा है वहां से चला जाएगा। तो ये सब जैसे जो बड़ा हवा चल रहा है इधर से उधर, यहाँ से उधर, अटलांटिक में, पैसिफिक में, तो क्या ये प्रजापति वाला हवा जो इतना सा, वो ये सब जुड़ के अलग अलग धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि यहाँ पे साइक्लोन आ जाए, समझ में आएगी, साइक्लोन पता है ना, साइक्लोन बहुत तेज हवा, हाँ। तो यहाँ पे मतलब इसका इतना छोटा कारण है ना, ये कॉज इतना छोटा सा निकला है, इतना सा हवा वो मारा है। मान लो अगर हवा को आप किलोग्राम में नहीं नापते हैं, लेकिन मान लो अगर किलोग्राम में नापते हैं तो यहाँ पे ये अगर मान लो प्रजापति अपना ऐसे पंख फैला के 0.00001 किलोग्राम का हवा निकाला है, तो यहाँ पे बाकी हवा से जुड़ के, अलग अलग बारिश से जुड़ के, दूसरा कारणों से जुड़ के, ये कॉज है, दूसरा छोटे छोटे कॉज से जुड़ के, क्या वो इतना बड़ा हो सकता है हवा की उसका इफेक्ट इतना बड़ा आ जाए कि यहाँ पे आते आते 1000 किलोग्राम का हवा बन जाए, हो सकता है ये, है ना, शायद होता नहीं है लेकिन हो सकता है। जैसे कि कई किसी भी चीज में बहुत कुछ, अभी यहाँ बैठा हुआ है, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे होने को बहुत कुछ हो सकता है, जैसे क्या क्या हो सकता है, ये फैन हम पे गिर सकता है ना, घर गिर सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, पुलिस आ सकता है, कुछ भी, पुलिस आके बोलेगा कि असल में ये ईशान जो है असल में चोर है, बहुत बड़ा दिल्ली से आया हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है, हो सकता है ना, और मेरे को अरेस्ट करके ले जाएगा, लेकिन शायद ये सब नहीं होगा। असल में क्या होगा, हम लोग क्लास करेगा, 12 बजे बेल बजेगा और तुम लोग चला जाएगा, होने को ये होगा ना, लेकिन और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वैसे ही असल में शायद इस प्रजापति के पंख मारने से कुछ ना हो, लेकिन ये चीज भी हो सकती है, 1000 टाइम अगर 1000 बार ये चीज होगा तो उसमें से शायद 1000 बार जब वो पंख उड़ाता है, 1000 बार शायद कुछ ना हो, लेकिन उसमें से एक टाइम बाद 999 टाइम शायद कुछ ना हो, प्रजापति पंख मार रहे हैं
और बस खत्म हो गया। लेकिन उसमें से एक बार, थाउजेंड में से एक बार ऐसा हो सकता है कि वो पंख जो हवा निकल रहा है ये वाला, वो ये सब जुड़ के यहाँ पे साइक्लोन आ जाए, ठीक है, क्लियर है ना, हो सकता है ये चीज, ठीक है। तो इससे भी क्या चीज क्या आपको सीखने को मिलता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज का एक कॉज है तो इफेक्ट है। जैसे ये कहानी सुना होगा आप, ये क्या है, मूसा और सिंह का कहानी, क्या होता है उस कहानी में, शेर का सिंह, सिंह सिंह, क्या होता है उस कहानी में, किसी को पता ही होता है, हाँ क्या होता है बताओ सुमंत्रा, हाँ सबको उड़िया में बताओ ये कहानी, अरे बताओ ना जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, बोलो तुमको पता है ना, बताओ कहानी, अरे इतना अच्छा तुम स्पीच देता है प्रेसिडेंट, जब तुम इतना अच्छा स्पीच दिया था, बहुत अच्छा बोलता है, तुम नहीं बोलेगा, पता है ये कहानी सबको, जुहा और शेर का क्या होता है, सबको पता है ना, हाँ क्या होता है, पहले शेर चूहा को पकड़ लेता है, शेर भूखा है, ऐसे उसको पंजा के नीचे ऐसे पकड़ लिया है शेर, तो चूहा बोलता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, आपका पेट भी नहीं भरेगा ना, तो मुझे छोड़ दो, किसी दिन मैं आपका हेल्प करूंगा, तो शेर उस पे हंसता है, बोलता है नहीं तुम इतना छोटा है, तुम मेरा क्या हेल्प करेगा, जाओ मैं तुमको ऐसे ही छोड़ देता है। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, शेर को शिकारी जाल में फंसा लेता है, हाँ शेर नहीं निकल पा रहा, तो मूसा आके क्या करता है, काट देता है और शेर बच जाता है। तो इसका मतलब क्या, वही होना कि किसी भी छोटे से छोटे चीज का भी बड़ा इफेक्ट हो सकता है, छोटा सा कॉज है लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे बटर प्रजापति वाला चीज, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ता है, शायद हम ही लोग हैं जो नहीं देख पाता ये इंटरकनेक्टेडनेस ना, ज्यादातर हम जीवन में सोचता है क्या किसी भी चीज को देख के कि ये बॉटल अगर बिग बैंग नहीं होता, एनर्जी नहीं होता, तो ये बॉटल यहाँ पे नहीं होता, नहीं सोचता ना ये सब, लेकिन असल में तो वही है ना, बिग बैंग नहीं होता, एनर्जी नहीं होता, तो ये बॉटल यहाँ नहीं होता, हम नहीं होता, तो ये सब चीज हम लोग नहीं, हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक बात करेगा, हाँ नेक्स्ट बात यह है कि लाइफ इज जीवन, क्या है लाइफ इज जीवन, हाँ लाइफ इज जीवन, एंड व्हाट इज जीवन, लाइफ, हाँ जीवन है जीवन, ठीक है, तो क्या है ये, व्हाट इज लाइफ, लाइफ पे हमने बहुत बात किया, हाँ सर तो बताओ क्या है, ठीक है। तो अलग अलग हमने संज्ञा बनाया ना, जैसे कि साइंटिस्ट ने अभी का संज्ञा क्या है कि एक तो कोई भी जो जीवित प्राणी है सेल्स का बना है, ठीक है, और वैसे ही सिस्टम है सेल का, जैसे हमने बात किया था अलग अलग सेल, एक जैसा सेल जुड़ के क्या बनाता है, एक तरह का सेल, एक साइकिल बात किया था ना सेल का, सेल ये करके वापस सेल, तो क्या था उसमें से एक टाइप का सेल क्या बनाता है जुड़ के, टिश्यू, और एक टाइप का टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म प्राणी, और फाइनली ऑर्गेनिज्म सेक्स के थ्रू वापस सेल, बात क्या था ना, ये सेल कैसे आता है, इंसान में क्या होता है 23 क्रोमोसोम मदर के वहां से आता है, 23 क्रोमोसोम फादर का आता है, और जुड़ के एक नया सेल बन जाता है जिसमें 46 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, डीएनए, हाँ क्रोमोसोम एक ऐसा आपने देखा होगा ऐसा कुछ होता है ना एक्स, इसके अंदर पूरा डीएनए भरा हुआ, बहुत सारा डीएनए है, और उस डीएनए में क्या है, जानकारी है कि हमारा शरीर कैसा बनेगा ये सब, ठीक है। तो उसी के चलते फिर 46 वाला ये डिवाइड होता है, दो सेल बनता है, चार सेल बनता है, उसमें से कुछ सेल मसल टिश्यू बनाएगा, कुछ सेल आंख का टिश्यू बनाएगा, कुछ सेल नसे का टिश्यू बनाएगा, वैसे ही फिर अलग अलग टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, पेट बनाएगा, लंग्स बनाएगा, दिल बनाएगा, अलग अलग ऑर्गन जो एक काम करता है, एक काम करने वाला ऑर्गन क्या बनाएगा, सिस्टम, जैसे खाना खाने का सिस्टम, मुंह पाइप पेट लिवर ये सब खाने का सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम में क्या होगा, नोज ये सब लंग्स, तो ऐसे करते करते वापस ऑर्गेनिज्म और प्राणी क्या बनाएगा, सेक्स के थ्रू वापस एक नया सेल, है ना, ठीक है। और क्या आता है इस लाइफ में, लाइफ का संज्ञा में
कि प्राणी क्या करता है, एनर्जी इस्तेमाल करता है, किस लिए करता है, या तो टू लिव या फिर टू ग्रो, यानी या अपने विकास के लिए एनर्जी इस्तेमाल करता है या फिर जीने के लिए इस्तेमाल करता है ना, ठीक है। और क्या है, रिप्रोड्यूस, अपने जैसा बच्चा पैदा करता है, और प्रतिक्रिया समझता है, प्रतिक्रिया, हाँ अपने वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करता है, जैसा अगर वातावरण गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या करेगा, उससे कुछ बचने का करेगा इलाज, हाँ, या फिर कुछ भी प्रतिक्रिया, जैसे अगर यहाँ पे आग लगा हुआ है, हाथ एकदम से फट जाएगा ना, या फिर क्या बारिश हो रही है, क्या करेगा, अपने उसको ढक लेगा कहीं, अगर जानवर होगा तो क्या करेगा, जानवर पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा या फिर जमीन के अंदर घुस जाएगा या गुफा में जाएगा, तो अपने वातावरण के साथ वो प्रतिक्रिया करता है। इवन फूल भी ये सब, प्लांट्स भी ये करता है ना, सूरजमुखी जानता है फूल, हाँ सूरजमुखी, सनफ्लावर, हाँ, तो क्या करता है वो, अगर यहाँ पे सन है और सूरजमुखी यहाँ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे, तो क्या करता है वो, हंसने का है इसमें, ठीक है, तो क्या करता है, अगर सन यहाँ पर है तो वो ऐसे मुड़ जाता है ना, तो वो भी प्रतिक्रिया कर रहा है ना, बोलो बोलो क्या बोल रहा है, इसको प्रतिक्रिया कर रहा है, सन इधर होगा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये भी प्रतिक्रिया है ना, तो जीवित रिएक्शन, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट टू एनवायरमेंट, वातावरण, अपने आसपास का चीजों के साथ प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये हमने ये सब बोल दिया है कि जो भी कोई जीवित प्राणी है उसमें ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको पता है कि क्या है, प्लांट्स जीवित है, एनिमल जीवित है ना, लेकिन कुछ जैसे आप बोलते हैं ना, साइंस भी बढ़ते रहता है ना, 100 साल पहले ये सब नहीं था, 100 साल पहले हमारा जीवन का अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग था। 1901 में एक आदमी था, जगदीश चंद्र बोस, नाम सुना है, हाँ कौन था ये बोलो, जानोगे, जगदीश चंद्र बोस, जे सी बोस, हाँ बंगाल का साइंटिस्ट था, हाँ क्या किया था ये, रॉन्ग रॉन्ग, हाँ क्या रॉन्ग बताओ, क्या बना था, पहले हमको लगता था कि बस एनिमल्स जीवित है, क्यों, क्योंकि एनिमल्स को आप देख सकते हैं ना, जीते हुए हिल रहा है, ढूंढ रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, तो हमको लगता था कि प्लांट्स, बोलो बोलना है कुछ नहीं, या तो कितने बार बोला, या तो सबके साथ बोलना है या फिर कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, अगर कुछ बोलेगा तो सबके साथ होना चाहिए, जो सामने बैठे इनको भी बताओ, क्या जोक है बताओ, हम भी हंस लेगा थोड़ा, बताओ प्लीज बताओ, बोर हो रहा है हम लोग भी, थोड़ा बता दो हमको, तो 1901 के पहले क्या था, बस हम सोच रहे थे एनिमल जिंदा है, क्योंकि एनिमल हिलता डुलता है, प्लांट सबको लगता था कि वो जीवित नहीं है, ठीक है, हाँ। तो जगदीश चंद्र बोस एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने वही प्लांट को अलग अलग चीजों से रिएक्ट करवाया, जैसे टेम्परेचर, गर्मी या ठंडा, अलग अलग गैस से, और क्या क्या, अलग अलग केमिकल से, अलग अलग लाइट से, तो उसने देखा कि जैसे अगर मान लो प्लांट को पॉइजन डाल देता है मिट्टी में, तो प्लांट धीरे धीरे क्या होगा, मर जाएगा, ऐसे लटक जाएगा नीचे, है ना, मुरझा जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के चलते जगदीश चंद्र बोस ने बोला कि नहीं, प्लांट्स में भी जीवन है, और तब से हम प्लांट्स को भी जीवित मानते हैं, ठीक है। वैसे अभी हमको लगता है कि पत्थर, रॉक, पत्थर जीवित है कि नहीं है, नहीं है, पक्का, ठीक है, अभी हमको लगता है कि नहीं है ना, और सही है, नहीं है, उसमें सेल्स नहीं है, चलता डुलता नहीं है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, अपने जैसा बच्चा नहीं बना सकता है, क्या हो गया यार, क्या हो गया बताओ, बसरे Thank you.
अरे पैटी बंद करो रे हो गया सरला एक मिनट पढ़ रहा तुम थोड़ा इस साइड आ जाओ हाँ नहीं नहीं तुम वहीं पे बैठो तुम्हें को देखने के लिए तो उसको साइड किया है हाँ ठीक तो रॉक जिस जीवित है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है लेकिन हो सकता है हमारा कल जीवन का संज्ञा बदल जाए कल को हम बोलेगा कि रॉक भी जीवित है जैसे हम पहले प्लांट्स को जीवित नहीं मानता था तो जैसे एक थ्योरी अभी साइंटिस्ट का कुछ मानना है कि जो ये डीएनए ये सब रॉक्स के ऊपर बना था जैसे अगर ये पत्थर है तो हमने केमिकल सूप का बात किया था ना कि समुद्र में बहुत सारा केमिकल मिक्स हो गया है और वो केमिकल एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलके बैक्टीरिया डीएनए ये सब बैक्टीरिया बना दिया लेकिन वो एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ा कैसे तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पत्थर की वजह से अगर एक पत्थर है तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसा एलिमेंट्स यहाँ पे आके चिपक गया वैसे हाइड्रोजन आयरन ये सब एलिमेंट्स यहाँ पे चिपक गया और धीरे धीरे दोनों यहाँ पे चिपक के एक दूसरे से रिएक्ट करके डीएनए बन गया प्रोटीन बन गया और जीव बैक्टीरिया बन गया नया जीवन बना तो समझ गया ना तो उनका मानना है कि रॉक्स के बिना शायद जीवन नहीं होता ठीक है तो ये सब अभी साइंस समझने का कोशिश कर रहा है कुछ लोगों का मानना है कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये बैक्टीरिया ये सब डीएनए जो है प्रोटीन है ये सब बाहर से आया है जैसे पानी मीटियोर से अगर आया तो वैसे ही मीटियोर जो है ना मीटियोर याद है क्या होता है टूटता तारा जो ऐसे नीचे पृथ्वी पे गिरता है उल्का भी ऐसे उल्का क्या उल्का तारा उल्का उल्का एक बोलो एक तुम बोलो उल्का बिंदु हाँ तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि उल्का बिंदु से उसके अंदर था ये डीएनए ये सब और वो पृथ्वी पे है तो अभी हमको पता नहीं है ठीक है कि हमको इतना पता है कि जीवन शुरू हो गया था अराउंड 3.8 बिलियन साल पहले लेकिन कैसे हुआ वो अभी नहीं मालूम ठीक है उसको हम समझने का भी कोशिश कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट पॉइंट एक जो ऐसा ही एक असाइनमेंट दिया था वो तो तुम लोग कोई किया नहीं तो व्हाई आर ह्यूमन बीइंग्स स्पेशल क्यों है भाई बताओ पहला क्लास में ये बहुत बात किया था क्या ह्यूमन बीइंग्स में जो बात करने का शक्ति है हाँ सब कुछ किया ठीक है और एनर्जी को जो बिग बैंग वाला एनर्जी को 13 बिलियन साल लगा इतना बड़ा जो साइकिल हमने बात किया फिश बैक्टीरिया एप मंकी ये सब पहुंचते पहुंचते 13 बिलियन साल लगा ना और हो सकता है हमारे जैसा और भी बहुत प्राणी है इस दुनिया में दूसरा प्लैनेट्स में इतना सारा गैलेक्सीज है इतना सारा स्टार्स है इतना सारा प्लैनेट्स है हो सकता है हमारे जैसा भी और भी प्राणी है एलियन एलियन हाँ तो अच्छा एक चीज जैसे आयरन आपको पता है किसी का ब्लड टेस्ट किया है बीमार होने पर किसी का ब्लड टेस्ट हुआ है ना तो जो रिपोर्ट आता है उसमें एक जगह आता है आयरन कंटेंट यानी आपका खून में कितना आयरन है जिस लोहे का आप ये सब बनाया है वही आयरन का आइटम आपके खून के अंदर भी है ना कुछ कुछ काम करता है तो वो आयरन कहाँ से आया खाद्य से और वो आयरन खाद्य में कहाँ से आया जो कड़ाई कड़ाई से आ गया लीक होके नहीं वो कहाँ से है वो भी स्टार से आया ना जो सुपरनोवा स्टार से वही आयरन अभी तक चल रहा है तो जो चीज स्टार जिस चीजों से स्टार बना है हम भी उसी चीज से बना है तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है ठीक है इंटरकनेक्टेडनेस अब उसके पैर से खेल रहे हो क्या प्रॉब्लम क्या है यार तुम लोग पैर रख लो ठीक है लेकिन तुम लोग को उसका पैर में इतना क्यों इंटरेस्ट है ए, समस्ते गोटे जगह बस जा रहे ठीक है लास्ट एक बात करते हैं उसके बाद क्लास करते हैं ठीक है नेचर वर्सेस नर्चर मतलब क्या हुआ हाँ नर्चर पोषण पोषण पालन पोषण पालन पोषण जिस तरह से बच्चे को बड़ा करता है ना तो कोई भी जो व्यक्ति होता है वो बड़ा कैसे किस तरह से उसका विकास होता है उसका माँ माँ से ठीक है तो दो चीज है ना या तो प्रकृति के अनुसार या फिर पोषण के अनुसार ये दोनों चीजें मिलके उसको बनाते हैं व्यक्ति को जैसे बाकी ज्यादातर जानवरों में क्या है प्रकृति के अनुसार बनता है पोषण कम है ना हमारे इंसान में क्या है दोनों
पोषण अधिकार बहुत स्ट्रांग है जिसका बात जैसे नेचर का मतलब जैसे यहाँ पे कि डीएनए या फिर जीन्स, तो कोई भी प्राणी जो है अपने डीएनए के मुताबिक ही बड़ा होता है ना। जैसे इंसान का बच्चा इंसान ही बनेगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही बनेगा, क्योंकि उसका नेचर वो है, डीएनए वो है, जीन्स वो है ना, ठीक है। लेकिन नर्चर में आप नर्चर का बात करते हैं, नर्चर में क्या अलग चीज आ जाता है? हाँ, उसको खाना खिलाता है। जैसे कि कोई भी क्या, कोई भी नाम दो जल्दी, कोई भी नाम दो, अरे कोई भी नाम दो, कुछ भी। सुमंता, ठीक है, सुमंता। तो सुमंता एक आदमी है जो कि बहुत पावरफुल है, ठीक है, खूब सारा मसल है, इतना बड़ा बड़ा मसल है, और बहुत तेज भी भागता है, यानी 10 सेकंड में यहां से लेकर हॉस्टल पहुंच जाएगा और वापिस भी आ जाएगा, इतना तेज भागता है। तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, खूब एक्सरसाइज करता है, ये सब करता है। उसके बाद सुमंता का बच्चा होता है, क्या नाम है उसका? राकेश। राकेश कौन है? राकेश यहाँ पे प्रशांत, प्रशांत राकेश। राकेश भी बहुत स्ट्रांग आदमी है, ठीक है, राकेश का भी खूब मसल है, खूब, क्योंकि राकेश का एक तो नेचर डीएनए इसी से आ रहा है ना, सुमंता से, समझ गया? तो डीएनए वगैरह में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि स्ट्रांग बनेगा, और साथ में राकेश को नर्चर भी ऐसा ही मिला है। सुमंता उसको खूब मीट खिलाया, खूब दूध पिलाया, रोज एक्सरसाइज करवाता है, रोज काम करवाता है ऐसे मसल्स बनाने के लिए, तो राकेश भी खूब मसल्स वाला आदमी बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, राकेश का दो बच्चा होता है, जल्दी बताओ। प्रशांत परमा, प्रशांत परमानंद, दुर्जो, परमा और दुर्जो, ठीक है। अब क्या होता है, अब पुराना मूवीज देखा आप लोग, उसमें क्या होता है, जैसे दो भाई मेले में जाता है और बिछड़ जाता है ना, गुम हो जाता है, तो वैसे ही एक दिन राकेश परमा और दुर्जो को मान लो क्या कुछ भी मेला में ले गया यहाँ पे, और दोनों गुम हो गया, तो परमा तो मिल गया, ठीक है, और दोनों अभी 2-3 साल का है, ठीक है, छोटा है अभी, तो मेले में घूम गया परमा, तो मिल गया राकेश को, तो वापस परमा घर आ गया, लेकिन दुर्जो मेले में गायब हो गया, और वो किसके मिल गया, एक टीचर था, टीचर का नाम प्रशांत, प्रशांत को टीचर है जो कि वो उसके घर पे पहुंच गया, ठीक है, तो दुर्जो को प्रशांत अपने बच्चा जैसा पढ़ा गया, ठीक है, तो अब दुर्जो यहाँ आ गया। तो अब परमा क्या है, परमा को भी वही डीएनए है, नेचर तो सेम है, और उसको नर्चर भी वही मिला है, परमा को भी राकेश खूब मेहनत करवाया, खूब दूध पिलाया, खूब मीट खिलाया, खूब एक्सरसाइज कराया, तो राकेश परमा भी एकदम मसल वाला आदमी बन गया, ठीक है, ऐसा एकदम है ना, ऐसा मसल एकदम खूब सारा मसल, ठीक है। अब लेकिन दुर्जो है, दुर्जो में भी सेम नेचर तो सेम है, सेम डीएनए है, तो दुर्जो भी एकदम ऐसा पहलवान बनना चाहिए ना, स्ट्रांग। लेकिन प्रशांत क्या है, प्रशांत एक तो टीचर है और क्या है, वो हिंदू ब्राह्मण है, मीट नहीं खाता है, ठीक है, तो अब क्या हो गया, दुर्जो को मीट नहीं मिलता है और उससे एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करवाता है, प्रशांत उसको पढ़वाता है, खूब पढ़ाता है, ठीक है, तो दुर्जो एकदम पतला सा ऐसे एकदम ऐसा आदमी बन गया, एकदम पतला सा, ठीक है, हाँ स्केलेटन, क्योंकि उसको मीट नहीं दिया और नर्चर अलग है बेसिकली, है ना, नेचर के हिसाब से तो दुर्जो भी ऐसा ही बनना चाहिए था, लेकिन अलग क्यों बना, क्योंकि नर्चर अलग मिला है, पोषण अलग मिला है, उसको मीट नहीं दिया, एक्सरसाइज नहीं करवाया, तो पतला सा, इनफैक्ट कितना किताब पढ़ पढ़ के चश्मा भी लग गया उसका, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो हो सकता था ये अगर राकेश के साथ ही रहता और नर्चर वैसा मिलता तो दुर्जो भी इसी के जैसा बनता, लेकिन क्योंकि पोषण अलग मिला तो दुर्जो ऐसा बन गया, है ना, समझ गया? तो यही नेचर वर्सेस नर्चर है, बाकी जो भी जानवर होता है ज्यादातर उसमें नेचर के हिसाब से होता है ना, उसमें ज्यादा पोषण का तो है नहीं, नेचर जो भी बच्चा होता है, कुत्ते का बच्चा होता है, वो उसका ख्याल रखता है धीरे धीरे, लेकिन दिमाग में तो कुछ असर नहीं है ना, वैसे ही बनता है ज्यादा, ठीक है, कम खाना मिला तो पतला कुत्ता होगा, ज्यादा मिला तो स्ट्रांग होगा, लेकिन नर्चर का ज्यादा रोल नहीं, इंसान में ये बहुत जरूरी है, नर्चर से डिसाइड होगा कि आप कैसा आदमी बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, बुरा आदमी बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, टीचर बनेगा, या फिर डॉन बनेगा, गुंडा बनेगा, सब इस चीज से, है ना, हाँ डॉन बनेगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसा बाप होता है वैसे ही बेटा भी होगा, लेकिन ये गलत है। जैसे अगर मान लो
फिर से कोई अच्छा आप नाम नहीं तो लेते किसी और नाम लेते हैं जॉन कोई है यहाँ पे जॉन नहीं ना जॉन नहीं है यार ठीक है जॉन भी है पीटर पीटर तो कोई नहीं है तो पीटर बहुत बड़ा डॉन है ठीक है पीटर का भी दो बच्चा पैदा होता है एक एंड्रू और एक मैथ्यू मैथ्यू और एंड्रू अब एंड्रू फिर से दोनों क्या होता है मेले में गुम हो जाता है दोनों हाँ एंड्रू वैसा ही नेचर भी मिला है नर्चर भी सेम मिला है पीटर से तो वो भी एकदम डॉन बनेगा बड़ा होके लेकिन मैथ्यू है किसी और के घर पैदा हो गया है किसी और के घर मिल गया है तो उसको अच्छे से पढ़ाया गया है अच्छा अच्छा बात बताया गया है नर्चर अलग मिला है तो हाँ हो सकता है वो कुछ अच्छा चीज बनेगा जैसे डॉक्टर हाँ साइंटिस्ट बन गया कलेक्टर बन गया तो ये नर्चर पे है कोई भी यानी बचपन में कोई बुरा आदमी नहीं होता ठीक है धीरे धीरे बनता है जैसे ज्यादातर लोग चोरी क्यों करता है क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए चोरी करता है ना ज्यादातर क्राइम इसीलिए होता है ना अब अगर ये सब नर्चर सही मिलेगा सही जगह में रहेगा अच्छा चीजें मिलेगा तो शायद अच्छा आदमी बनेगा ऑटोमेटिकली है ना तो इस चीज पे ध्यान देना है ठीक है नर्चर नेचर आपका जैसा भी हो नर्चर बहुत जरूरी है जिस तरह से जैसे कल को आप लोग का फैमिली होगा आप लोग का बच्चा होगा अगर अपने बच्चा को अच्छा चीजें सिखाओगे अच्छा खाना खिलाओगे अच्छा स्कूल में भेजोगे तो बड़ा आदमी बनेगा अच्छा काम करेगा अब उसको खूब मार पीट के एकदम यानी हाँ भगाएगा उसको मारेगा धीरे धीरे वो झूठ बोलने लग जाएगा चोरी करने लग जाएगा अगर उसको ज्यादा हमेशा डरा के रखेगा है ना तो यही नर्चर है ठीक है पोषण ठीक है टाइम हो गया चलो जाओ तुम्हारा नाम क्या है इसका नाम क्या तुम्हारा नाम क्या अंजलि क्या अंजलि अंजलि Thank you.